आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे फिल्मी अड्डा पर। जी हाँ, एक बार फिर से फिल्मी अड्डा के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम जिक्र करने वाले हैं एक बार फिर से फिल्मी अड्डा के उस मुहिम के बारे में, जिस मुहिम के जरिए हम तलाश कर रहे हैं कुछ ऐसे हुनरबाज को जिनके अंदर वो हुनर है और उनके हुनर को हम बॉलीवुड में उन हुनरबाज को दिखा सके और उनके हुनर से बॉलीवुड में उनकी चमक दमक बना सके। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें ना आप जानते हैं ना हम, लेकिन उनकी आवाज़ वाकई में सोशल मीडिया पर तहलका मचा सकती है। देखा जाए तो रानू मंडल एक ऐसी महिला जिन्हें कोई नहीं जानता था, कब उनके बारे में किसी ने कभी कोई नोटिस उन्हें नहीं किया होगा, लेकिन आज वो महिला वो स्टार बन गई है जिनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से उन आ रहे हैं, दूर दूर से उनके इवेंट में उनके स्टेज शो में पहुंच रहे हैं ताकि वो एक झलक उन्हें देख सके। इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया, कब घूम जाए पता ही नहीं चलता। और इसीलिए फिल्मी अड्डा के मुहिम की तरफ से, फिल्मी अड्डा के चैनल की तरफ से हम दो ऐसे ही कलाकार की तलाश कर रहे हैं जिनके अंदर, जिनकी आवाज़ में वो जादू है, जिनकी आवाज़ में वो हुनर है। तो चलिए सबसे पहले हम जिन शख्स को आपको दिखाने वाले हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, हम सिर्फ इतना जानते हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुमार सानू की आवाज़ में जो गाना गाया है या ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर जो गाने को फिल्माया गया था उस गाने को वो बखूबी के साथ जो गाया है उसे देखकर शायद आपके भी मुंह से एक बार वाह जरूर निकलेगा। तो चलिए बिना देर किए पहले आपको दिखाते हैं उनकी ये वीडियो, देखिए वीडियो। तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं, ये दिल बेकरार करते नहीं, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम गजल, तुम सिंह बोला सा
देखा आप सभी लोगों ने कुमार शानू की आवाज में जो गाना गाया गया था, जिस गाने को फिल्माया गया था, अब उस गाने को ही इस मामूली से लड़के ने कितनी खूबसूरती के साथ पिरोया है और फिल्मी अड्डा तलाश कर रहा है इस कलाकार की। अगर आप भी अगर इनके बारे में कुछ जानते हैं, अगर आप भी इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या आप भी इनके बारे में कुछ और इनके आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो हमें हमारे प्रोग्राम के जरिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। खैर, इसके अलावा आगे बढ़ें तो एक और ऐसे कलाकार की वीडियो हमारे पास मौजूद है जिनके गाने में वाकई में दर्द छिपा है। जी हाँ, फिल्म हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, और गाना तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ये वो केके का गाना है जिसे सुनकर खुद सलमान खान भी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया था कि स्टेज पर इसी गाने को सुनकर सलमान की आंखें नम हो गई थी। लेकिन जब इस मजदूर ने, एक पेंटर ने इस गाने को गाया, तो उस गाने को कितनी खूबसूरती के साथ आज वायरल, सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हर एक सुर और ताल को पिरोया है। चलिए इस वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से राह निकलती रही, जिसको सदा दी प्यार की, लुट गए हम तेरी महा।
दोस्तों, ये फिल्मी अड्डा पे हम दो इन दो कलाकारों की तलाश कर रहे हैं जिनकी आवाज में वाकई में जादू है, वाकई में वो दम है जिस दम पर बॉलीवुड में इन्हें मौका मिल सकता है। अगर आप भी इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन जानते हैं तो हमें जरूर बताएं, नहीं तो हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि रानू मंडल की तरह इनका भी ये वीडियो वायरल हो सके और एक बार फिर से जो जिस चीज़ का हकदार है उसे वो हक बॉलीवुड में ज़रूर मिले। फिलहाल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।